हेलो हाय नमस्कार पहला प्रणाम उत्तराखंड, मेरा नाम काव्य है। इस वक्त उत्तर का पुत्तर जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर आप मुझे देख रहे हैं और आज एक ऐसी पर्सनालिटी के साथ में हूँ जिनके बारे में कुछ लोग कहते हैं कि भाई जब ये गाते हैं तो ऐसा लगता है किसी शेर की आवाज़ आई है। कुछ लोग कहते हैं कि इनकी गायकी में बड़ी मासूमियत है, कुछ लोग कहते हैं कि लोक गायकी का सबसे बड़ा चेहरा है, यानी जितने सारे लोग हैं उतनी तरह की बातें, लेकिन सारी की सारी बातें तारीफ में हैं और कमाल की बातें हैं। तो स्वागत कीजिए हीरा सिंह राणा जी का, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार सभी उत्तराखंड के भाइयों को, बहनों को, बुजुर्गों को, युवा साथियों को और हमारी जो वर्तमान पीढ़ी नई पदार्पण कर रही है संस्कृति के काम में, गायन में, नाटक में या अन्य किसी विधा में, मैं सभी को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। आपके जन्मदिवस के दिन मेरी आपसे सबसे पहले बात हुई फ़ोन पे, बचपन से सुनते तो थे लेकिन जब उस दिन बातचीत हुई इतने प्यार से आपने बोला कि अरे बहुत अच्छा लगा, तुमने विश किया, तमाम सारी बातें हुई। कैसे देखते हैं इस ज़िंदगी को? अल्मोड़ा आई थिंक आपका पैतृक गांव है, अल्मोड़ा में, वहाँ मानेला, वहाँ से लेके ये दिल्ली तक का सफ़र बहुत लंबा है। खैर पर जो सफ़र है, एक तो लोग उसको नाम देते हैं संघर्ष का जी, लेकिन मैं उसको नाम दूंगा कि मैंने उससे कुछ पाया है जी। दुनिया ने एकेडमिक क्वालिफिकेशन हासिल करी, यूनिवर्सिटियों में गए, दूसरी जगह गए, मैं समाज में गया और जनता में गया, उनसे जो मैंने सीख पाया वही मेरी गीतों में आपको मिलेगा जी। तो आजकल आप दिल्ली में हैं, दिल्ली में आपका आना कब हुआ उत्तराखंड से? दिल्ली में मैं 1959 में आया था जी। हाँ 1958 में मिडिल हमने जैसे पढ़ा तो पास हुए कि फेल हुए वो भी नहीं देखा, सीधा चले आए जी। कुछ कारण था उसका। और मैं यहाँ 1959 में जब आया तो 1959 में कुछ अपने ही गांव के लोगों से इधर मिला जुला जी। किसने बोला वो चाय की दुकान में कर ले, किसने बोला ये कर ले वो कर ले, जो भी है ऐसा ही था उस वक्त, कोई खास था नहीं जी। फिर भी मैं एक छोटे से कपड़े की दुकान में लग गया 5 रुपये महीने में, तो ठीक हुआ वहाँ से थोड़े, अब महीना भर कट गया मेरा, 5 रुपये मिले मुझे, 5 रुपये उसके बाद बहुत था जी। हाँ तो हम, मैंने मतलब उस वक्त जो हमारा खाने की खुराक थी जी 7 रुपये 50 पैसे थी एक महीने की। अच्छा। हाँ उस वक्त हमने पराठे वाली गली जो है उसके बगल में खाना बनाता था बेचारा कोई आदमी, हाँ। तो वो 7.5 रुपया लेता था महीने के। खैर जो भी है ये चीज़ें तो मेरी व्यक्तिगत हुई, लेकिन जहाँ तक किस्में एक गीतों का हिसाब है जी। तो उस वक्त मेरा सौभाग्य रहा कि मैंने गोविंद वल्लभ पंत जी को देखा यहाँ, जिसको आज लोक नायक हॉस्पिटल कहते हैं, LNJP कहते हैं, हाँ। तो उसमें उसका नाम था उस वक्त इरविन हॉस्पिटल। अच्छा। उस मैदान में गोविंद वल्लभ पंत जी आए थे, वहीं पर आजकल उनके नाम से हॉस्पिटल भी है जी, जी पंत हॉस्पिटल, हाँ, है। तो उस मैदान में वो आए थे, उनने बोला यार ऐसा है कि सारे बच्चे लोग तुम जितने भी आए हो 26 जनवरी का प्रोग्राम होना है, अब कुछ देश को आज़ाद हुए, कोई नए नए साहब वो भी दिल्ली में नए नए आए थे जी। तो 26 जनवरी के लिए कोई तैयारी करो, अगर हो सकता है तो एक प्रोग्राम हम अपने पहाड़ का देंगे जी। वहाँ क्या हुआ कि दूसरे तीसरे हफ्ते में वो तमाम 40-50 आदमी घाघरा लगा के और कुर्ता पजामा पहन के और सब कटे हो गए। अच्छा। आदमी तो और लड़कियां तो थे ही नहीं, हाँ। उन्हें बोली लड़कियां कहाँ, औरतें कहाँ हैं, हाँ। तो उन्होंने कहा औरतें तो हमारी समझ में नहीं आती आगे। अच्छा। और हमारे यहाँ वो पंडित होते हैं, वो होते ही होते, हाँ। अरे उन्हें कहा भी ये नहीं होगा कार्यक्रम जी, औरतें होनी चाहिए भाई, हाँ। तब जाके कार्यक्रम हो, कार्यक्रम नहीं हुआ फिर। अच्छा। तो उसमें कोई किसी प्रकार के गीत गाए जा रहे थे कुछ, हाँ। हम उस वक्त इतने जानकार थे नहीं, तो बाद में हमको वहाँ पर भेंट हुई डॉक्टर नारायण दत्त पालीवाल से जी। वो उस वक्त आगरा यूनिवर्सिटी से MA करके दिल्ली आए थे और यहाँ एक पोस्ट के लिए कोशिश कर रहे थे, टेक्निकल असिस्टेंट। अच्छा। जो हिंदी से अंग्रेजी को, अंग्रेजी से हिंदी को, ऐसा कुछ पोस्ट थी वो, हाँ। ओल्ड सेक्रेटरिएट में हमारा जो सचिवालय है जी, वो मेरे को टकर गए, हाँ। तो हमें कहा लोगों ने ये डॉक्टर पालीवाल है ये, मैंने नमस्कार पुरस्कार किया, तो उनके यहाँ मेरा आना जाना शुरू हो गया।
1960 में हमको मिले गोविंद चातक, डॉक्टर गोविंद चातक गढ़वाली हैं, गढ़वाली साहित्य को लिखते हैं। एक मिले डॉक्टर भगत सिंह, ये सब उस वक्त पीएचडी करने के उसमें थे, काम में। और हमको पीएचडी का मतलब भी नहीं था, पीएचडी क्या होता है हमको पता नहीं, पर इन लोगों की संगत में हम रहे। तो वहाँ पर एक गीत गाया गया, देवानी लोंडा दूरी हटो को तिल धारो बोला, आय हाय जैतुली बोरा रोकिए जैता तिल धारो बोला। अब एक झोड़ा आया और ये चौकोट की पार भती तिल धारो बोला बली तिल धारो बोला, ये मासी को परता पलोंडा तिले धारो बोला बैली तिले धारो बोला, ये चौकोटे के पार भती सोरासा निजानी बैली सोरासा निजानी, ये मासी को प्रताप बली इस्कूला निजानो बैली इस्कूला। इस तारतम उसमें चला, कुछ देर सुना हमने, फिर ठीक है झोड़ गाई रहते। बाद में मैंने विचार किया कि ये गीत कैसे हैं, औरत के ऊपर हैं और वो उसके कह रहा है कि वो वहाँ का लड़का रहने वाला था, उसका उसका प्रेम प्रसंग हुआ, ये हुआ, प्रेम प्रसंग से ही संबंधित थे जी। उस प्रेम प्रसंग के ऊपर मैंने कहा तुम ऐसी चीज़ क्या कर सकते हो कि जो इन प्रेम प्रसंगों से हट के कुछ हो। तो ऐसा मुझे मौका मिला कि गोविंद वल्लभ पंत जी की गुजरने के बाद उनकी पुण्यतिथि जब मनाई गई जी। तो यहाँ ये गोल डाकखाना है नई दिल्ली में, बिल्कुल बिल्कुल, उसके सामने होता था एक पीडब्ल्यूडी हॉल। हाँ। अब तो उसमें सेंसर बोर्ड का शायद ऑफिस आ गया है, उसमें प्रोग्राम हुआ उनकी पुण्यतिथि का। बड़े बड़े दिल्ली के जितने टॉपर हमारे थे जी। कुछ सेक्शन ऊपर से तो था नहीं ऊपर, बट इस लेवल के लोग आए, केवल अल्मोड़ा के जो लोग थे बी डी पांडे जी वगैरह, ये लोग जरा हायर पोस्ट पर थे, बाकी छोटे मोटे लोग आए। तो मैंने उस प्रोग्राम के लिए यत्न किया। हाँ। मैं पहाड़ से ब्रॉन्स और वो जो हमारे वहाँ होता काफल जी। बांज हाँ। इस तरह के वो बूंद लाए, बूंद जिसको हाँ। पत्ते बोलते हैं हाँ। वो बूंद ला करके मैंने उसको सेट किया, सेट करने की योजना लगाई और जमा मजे से लाए मैं 10 बकरियाँ। तो उसने बोला भाई 200 रुपया बकरी का लगा, 200 मैंने आज के हिसाब से 2 लाख। हाँ अच्छा। उन्हें बोलो 200 लगेंगे बकरी के। मैंने कहा यार तू इनको घास देते रहना इधर उधर से हाँ। जो ये स्टे से भागे नहीं हाँ। और कुछ बच्चे जोड़े जो ढप खेलते हैं वो हमारे यहाँ नहीं खेलते ऐसे जमीन में हाँ। और वो कर करके सीन बना दिया। लाल बहादुर शास्त्री उसको प्रेजाइड कर रहे थे अच्छा। उस प्रोग्राम को, अब पहली जयंती थी, लाल बहादुर शास्त्री जी थे फिर। अब मैंने जब वो गाना उसमें मैंने गाया, यहाँ से शुरू किया मैंने, पहाड़ का अब बांसुरी बज रही थी, ऊंचा डना जब याद आनी, पहाड़ का ऊंचा डना जब याद आनी, हियाना उदेख ले जा ये परानी खे जानी, ये आलीली बाकरी लीली छो छो छो, ये आलीली बाकरी लीली छो छो, आलीली लीली आलीली लीली आलीली लीली छो छो, आलीली बाकरी लीली छो छो, आलीली बाकरी लीली छो छो, हो हो बाकरी आ जा उजाण ना खा जोड़ू नु तिहणी हाता, त्योर म्योरो केल खेत की गुसाण तीन पीढ़ी को सरादा, सभापति जू कलर पोटा सभापति जू कलर पोटा, बात मान तू तू आलीली बाकरी लीली छू छू, आलीली बाकरी लीली छू। इस गीत को मैंने गाया, 3-4 स्टैंजा का था। क्या हुआ कि लाल बहादुर शास्त्री के बगल में बैठी थी उनके
पंजी की घरवाली जी, केशवपन जी की माँ जी, केशवपन जी भी थे हाँ। वो उनकी आंखें कुछ नम हो गई हाँ। माता जी की जी। लाल बहादुर शास्त्री जी ने पूछा भाई आप क्यों ऐसे बार बार पहुँच रहे हैं, आपके कोई हाँ। तकलीफ आँख में? बोले नहीं यार, ये जो गाना गा रहा है बच्चा हाँ। इसने तो मुझे रुला दिया भाई। ओ, हो, ये मेरे को सीधा पहाड़ में ले गया, मेरे को अपने मायके की याद आ गई। ऐसे ही हम जंगल में जाते थे हाँ। घास काटते थे, ऐसे ढप खेलते थे हाँ। वो करते थे हाँ। हम तो अंदर स्टेज पर थे, हम क्या लेने किसका क्या हुआ जी। तो वहाँ पर उन लोगों ने जो उसके आयोजक थे उनसे बोला कि इसलिए बच्चे को हमारे यहाँ कल लाओ और इस साहिब लाने को लाओ। वो वहाँ 250-250 आदमी पहुँच गया जी हमारा पहाड़ी। अच्छा। हाँ, उन्होंने कहा यार वो कल्ला बागरी वाला गाना जो किसने गाया वो उसको बुलाया है, चलो हाँ। अब जो जो जहाँ जहाँ से साइकिल मंदिर कोई मोटरसाइकिल था हाँ। नहीं, साइकिलों की ढेर लगी जी गोल। तब मुझे माता जी ने कुछ पैसे दिए, बोले आपने जो कार्यक्रम किया, मैं तो पहली बार अपने जीवन में ऐसा कार्यक्रम देखा, नाच गाने बहुत देखे ऐसा नहीं देखा हाँ। तो वहाँ से धीरे धीरे समझो कि उस रात उस दिन से मेरी जरा दिल्ली में ये हो गया कि यार वो कोई कलाकार है। तो हाँ, अब आगे बढ़ेंगे और क्विक कुछ लोगों ने सवाल भी भेजे हैं, वो भी कोशिश करूँगा। उससे पहले एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जैसा थोड़ी देर पहले बात भी हुई, मनीष सिसोदिया जी से मेरी मुलाकात हुई और जब आपका जिक्र आया तो उन्होंने कहा मुझे ये, और जितने लोगों ने देखा है वो इंटरव्यू, कि जिस पड़ाव में उम्र के और जो एक्सपीरियंस राणा जी के पास है, बस यार उनके पास जाओ ना, ये मन करता है एक बार ये हमारी तरफ देख दें, बस उसमें मज़ा आ जाता है। ये बात उन्होंने कही, और जब मैंने आपका रंगीली बिंदी घाघर गाई और उन्होंने इतने बढ़िया से गाया तो और अब क्योंकि आप कुमाऊनी गढ़वाली जौनसारी भाषा की जो अकेडमी यहाँ पर खोली जा रही है उसके प्रथम उपाध्यक्ष हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये तो मैं दिल्ली सरकार का बहुत आभार मानूंगा, धन्यवाद भी करूंगा और सारे उत्तराखंड की तरफ से करूंगा जी। क्योंकि अभी तक हमारे उत्तराखंड में ना कोई एकेडमी है ना कुछ है, एक संस्कृति विभाग एक जगह बना रखा है, उसी में से नाच गाने होते हैं हमारे, गीत बात होते हैं और कुछ हमको दिखाई देता नहीं। तो दिल्ली सरकार का ये कदम हमारे उत्तराखंडवासी जो यहाँ प्रवास में रहते हैं सभी के लिए उन्होंने एक द्वार खोला है जी। अब उसमें वो अपनी कला को प्रस्तुत करें, अपने साहित्य को प्रस्तुत करें, अपनी विधाओं को प्रस्तुत करें, अपने लोक नाट्यों को प्रस्तुत करें, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन मुझे तो सिसोदिया जी का, सभी जो लोग इसमें जिन्होंने हमको सहयोग दिया है इस अकेडमी को स्थापित करने में, हमारे कार्यकर्ताओं का, जो लोग मेंबर बनाए हैं, सदस्य बनाए हैं, सभी का मैं धन्यवाद करूंगा कि वो इसको कोऑपरेट करके अगर चलेंगे हाँ। तो इसकी एक इसके लिए अच्छा एक सुबह होगी, मैं ये समझता हूँ जी। जिक्र आया था रंगीली बिंदी घाघर का, जब मैंने अपने ट्विटर पर और यूट्यूब पर लोगों को कहा कि मैं राणा जी से मिल रहा हूँ, सबसे ज़्यादा दरख्वास्त किसी गाने की आई तो बोले कि ये गाना ज़रूर गवाइएगा, और मैंने सुना है इसकी कोई कहानी भी है रंगीली बिंदी घाघर गाई की। हाँ, कहानी कुछ नहीं है हाँ। कहानी इसकी ये है कि मैं एक बार नैनीताल आ रहा था बम्बई से जी, कवि सम्मेलन था नैनीताल में हाँ। तो मैं काला ढूंकी से जैसे ऊपर चढ़ा जी, सुबह का टाइम था, सूर्योदय भी हो रहा था, तो ये रंगीली बिंदी वो सूर्योदय से ताल्लुक रखती है। अच्छा हाँ। और जो इसमें एक शब्द हमने लिया है नौपाटी घाघर हाँ। वो जितने गधेरे हैं हमारे अच्छा। वो उसके पार्ट हैं हाँ हाँ हाँ। और रेशमिया चैना उसमें एक शब्द डाला है कि जो हमारा तराई का मैदान है, बिल्कुल ऐसा लग रहा था हाँ। वहाँ ऊपर कालढंगियों के ऊपर जब जाओगे आप, कभी जाना तो मौका मिलेगा आपको हाँ। बहुत ही सुंदर लगता है। फिर हमने उसमें एक पद डाला, पहला पद है एक हाथी दातुली छो एक हाथी ऐना, एक तरफ तो उसका श्रमशील जीवन है हाँ। जिसमें काम करती है, मेहनत करती है, सब कुछ करती है, वहाँ की महिला या वहाँ का जो व्यक्ति है जी। एक हाथी है ना, एक तरफ हिमालय है हमारा दमकता हुआ जी। उस पर जिस पर हमें अभिमान है, स्वाभिमान है, हमारा मस्तक है जी। हमारा मुकुट है जी। तो विवरण मैं ज़्यादा नहीं दूंगा, यही से मैं करूँगा। अब मैं जब ऊपर चढ़ रहा था तो नीचे की हरियाली दिखाई दे रही थी, तो उसको मैंने हरितिमा नहीं कहा, कालीमा कहा है।
माछिले फटका मारो, जरा मैं ऊंचे स्वर में गा रहा हूँ इसलिए कि आपको जरा थोड़ा ठीक लगेगा। माछिले फटका मारो बलुआ रे तमा, वो होशिया छजरे ये हरिया खे तमा। उगता हुआ सूर्य है, आप कल्पना कीजिएगा। रंगीली बिंदी घाघर काई, पूरी चादर जो घाघर है तेरी बिछी हुई धरती। रंगीली बिंदी घाघर काई, धोती लाल किनर वाई, लाली मा जो चारों तरह है। रंगीली आप भी कभी लिख सकते हैं, ऐसा क्या है। रंगीली बिंदी घाघर काई, धोती लाल किनारो, आए हाय हाय रे मिजाता, ओए होए होए रे मिजाता, आए हाय हाय रे मिजाता, ओए होए होए रे मिजाता। कि मुखी प्यौली फूले वाई, यूं अखम काई फेरी आशा, हाय हाय रे मिजाता, ओए होए होए रे मिजाता, आए हाय हाय रे मिजाता, ओए होए होए रे मिजाता। एक हाथी दातुली छू, एक हाथी है ना, एक हाथी है ना, नौपाटी घाघरी परा, नौपाटी घाघरी परा, रेशमिया चैना, आय हाय रे मिजाता, ओय होय होय रे मिजाता, आय हाय रेशमिया चैना, आय हाय रे मिजाता, ओय होय होय रे मिजाता। क्या बात है, बहुत कमाल। जैसा आपने कहा ऐसा ही मैंने एक दफे हिंदी में लिखा था, हालांकि उत्तराखंड के लिए कुछ ऐसा था कि हरे भरे गांवों में तैरती हुई नावों में, आ मैं ले चलूं तुम्हें जहां मेहंदी महके पांव में, ठंडी हवा ठंडा पानी फूलों की रंगत है, देव भूमि है ये, यहां पूरी होती मन्नत है, अरे उत्तराखंड की फिजाओं में बसती ये जन्नत है, बसती ये जन्नत। सो इस तरह का एक हल्का सा जी। अच्छा तो उसी संदर्भ में एक चीज हमने कहा है, हालांकि व्यंग है वैसे। तो जब हम ये 25वां साल मना रहे थे तो अब ठीक है, नेताओं के सामने हाँ करना पड़ता है जी। लेकिन हकीकत में मैंने उस वक्त एक छोटा सा गीत लिखा, दो पद उसके गाऊंगा मैं। जदिन बहय स्वतंत्र हम यो झंड फर फरण में छो, ढाई बीसी बरस बे हम, 50 साल जी, दो बीसी हाफ ढाई बीसी। जदिन बहय स्वतंत्र हम यो झंड फर फरण में छो, ढाई बीसी बरस बे हम तिरंग के रंगण में छो, ढाई बीसी बरस बे हम तिरंग के रंगण में छू। हमर शहीद गीत जो गह गई आजादी का, हम लू गीत देश में गह दिहू कुभांति का। आज अपन घर भीतर, आज अपन घर भीतर हम भय भय के मनण में छू, ढाई बीसी बरस बे हम तिरंग के रंगण में छू। अशिण पशिण बगे सबुल यो देश का विकास में, अशिण पशिण बगे सबुल यो देश का विकास में, शहर आगाश पूज गई यो गौ से अज निशास में, शहर आगाश पूज गई यो गौ से अज निशास में। न्यौ निशाप तो शहरो न्याय, न्यौ निशाप तो शहरो हम पूछा उचाण में छो, ढाई बीसी बरस में हम तिरंग के रंगण में छो। तो जो हमारे समाज के लोग हैं, वे जो जिन्होंने आज़ादी लड़ी, आज़ादी ली और उसके बाद जो आप उसको भोग रहे हैं, उनके बारे में पद है। कोई थाकी गई कोई थौ में छे, कुछ थक गए, कोई थाकी गई कोई थौ में छे, कोई थक थके बे भेटी गई, कोई थाकी गई कोई थौ में छे, कोई थक थके बे भेटी गई, सबको आँखा में बहुत स्वीण दप दप बे ऐठी गई। हम आशा का घन सबो,
आशाओं के घन संबल जी। हम आशा का घन सब हर बरस चलन में चो ढाई बीसी बरस बे हम तिरंग के रंगण में। ये तो बहुत बड़ा व्यंग है एक तरह से, और उनको जगाने की कोशिश है। अब जागें तो मैं अक्सर कहता हूँ ना, सोए हुए को जगाना आसान है, जो जाग के सोने की एक्टिंग कर रहा है उसको जगाना मुश्किल है ना। बट बहुत कमाल है। मैं कुछ सवाल ये अगर मैं नहीं पूछूंगा तो मेरे लिसनर नाराज हो जाएंगे, इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ छोटे छोटे। तो अगर आप अगर दे पाएं, ये एक गौरव जोशी हैं, इन्होंने पूछा है कि अब जो लोकगीतों का स्वरूप और अंदाज लगातार बदलता जा रहा है, जिसमें पाश्चात्य जो संस्कृति है वो ज़्यादा और उत्तराखंड की संस्कृति कम झलकती है, इससे लोकगीतों को बढ़ावा मिलेगा या लोकगीत किसी और संस्कृति के सारथी बन जाएंगे? देखिए ऐसा है, ये इस पर विस्तृत चर्चा करना तो मेरे अभी उचित नहीं समझता हूँ। अगर हमारे पर्वतीय कलाकार लोक गायक जो वर्तमान में काम कर रहे हैं, गायकी कर रहे हैं, वो उसी हिसाब से कर रहे हैं जैसे वो वातावरण को देख रहे हैं। अब आप जीन्स पहन के चल रहे हैं, स्कर्ट्स पहन के चल रहे हैं, तो तुम कैसे कल्पना कर सकते हो चूड़ीदार पजामे की और टोपी की, या अपने जो हमारे मफलर होते थे गले में और कंधे में छतरी होती थी, हाथ में लट्ठी होती थी, एक हाथ में टॉर्च होता था, गले में यहाँ जंजीर होती थी, इधर मूंग की माला होती थी, मेलों में जब जाते थे उस वक्त आदमी का श्रृंगार दिखाई देता था, है क्या वो? तो अब हम उनका फिर भी अनुमोदन इसलिए करेंगे कि वो गा तो रहे हैं, चाहे वो पाश्चात्य संगीत से संबद्ध हो, हम क्या उनको दिशा दे रहे हैं? अब आप अपनी ओर क्यों नहीं देखते? हर मतलब कलाकार ने ही थोड़ी ठेका ले रखा है, हमें भी आप अपनी ओर देखिए कि आप अपने बच्चों को क्या अपनी बोली सिखा रहे हैं? संस्कृति तो बहुत दूर की बात है। अगर आप सिखा रहे हैं और वो नहीं बोल रहे हैं तब तो आप एलिगेशन लगाइए, कहिए उनसे, नहीं तो कहेगा जो कर रहे हैं ठीक है। अब उनको सुधारवाद लाने के लिए उन कलाकारों को आगे आना पड़ेगा जो अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं, बिल्कुल, नहीं तो वो कैसे होगा? बढ़िया, ठीक है। ये कुमो गढ़ करके एक अकाउंट है, इन्होंने पूछा है मंगल जो कि अब कम हो रहे हैं उन पर जोर दिया जाना चाहिए, ये सवाल है इनका। मंगल गीत कहिए जी। देखिए मंगल गीत का कम होना क्या है, आप एक अंदाज लगाइए, क्या हमारे यहाँ वरमाला का सिस्टम ऐसा था जैसे अब है? बारात आती है, उनका पहले वरमाला होगी, उसके बाद फेरे होंगे, दूसरा होगा, तीसरा होगा, खाना पीना होगा, क्या ऐसा था? नहीं था। हम क्या करते हैं, नकल करते हैं। जो जितना भी आप देख रहे हैं, चाहे लोकगीतों में कहिए, लोक नाट्यों में कहिए, ये लगाइए कि हमारा जो 70 और 80 का दशक रहा है, इसमें राजेंद्र धस्माना जैसे और ये कई लोग ऐसे कलाकार थे जिन्होंने लोक नाट्य को प्रस्तुत किया है, गौड़ी बाजी गौड़ी करके ऐसा कुछ एक धस्माना जी ने कुछ किया था, तो वो पढ़े लिखे लोग थे, हाई हिलर्स उनका ग्रुप का नाम था, वो लोग जरा पढ़े लिखे थे लेकिन उनके पास इतना समय नहीं था कि वो समाज को कुछ दे सकें, नौकरी करते थे, नौकरी से जो समय मिला उसमें बाजी गौड़ी और कुछ कर दिया जी। लेकिन जो लोग इसके पीछे अपना समर्पण कर चुके, जिसमें मोहन उपाध्याय जी का नाम लूँगा, मोहन उपाध्याय जी अल्मोड़ा में डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर थे, उन्होंने वहाँ की नौकरी छोड़ करके WMA किया म्यूजिक से इलाहाबाद से, तब उन्होंने मलशाही सीखी 2 साल तक, तब उन्होंने अपने लोग को जाना कि हमारा लोकगीत क्या है, इसमें 37 से 38 राग हैं जो हमारे मलशाही का गायन है। अब मैं इस विस्तृत तो नहीं सुना पाऊंगा लेकिन अलग अलग उसकी पद्धतियां हैं, तो उन्होंने उसके प्रति समर्पण क्या किया, अपनी नौकरी दाव पर लगा दी, छोड़ दिया नौकरी प्रोफेसर की। फिर क्या हुआ कि उन्होंने गाना गाया ओ लाली होशी या पधानी लाली, ओ लाली होशिया पधानी लली तिल धरो बोला, ओ लाली ने गाना पधानी लली तिल धरो बोला, ये गीत गाया
अल्मोड़ा के यहाँ कांग्रेसियों ने ये कह दिया ये बामण आदमी साला हुड़का पकड़ा है। अरे उन्होंने कहा इसका कम मुंह कैसे बंद होगा। अरे उन्होंने कहा हमारे पास अच्छा गाना है ओ लाली होशिया, ये कह दो ये जो दराती और हसिया होता है ये हथौड़ा और पत्थर ये कम्युनिस्ट है, इसको अच्छा। कम्युनिस्ट घोषित कर दो। कम्युनिस्ट घोषित कर दिया, 9 महीने की जेल करा दी, बरेली जेल में रहे। मोहन उप्रेती, मोहन उप्रेती जी बताइए। समर्पण के बाद की बात कर रहा हूँ, जब नौकरी छोड़ के आदमी लोक कला की तरफ और उसको बढ़ा रहा है तब भी उसको जेल डाल दिया सजा। तो जो मैंने आपको प्रारंभ में कहा कि हमारे वहाँ ये चीज़ बड़ी छोटी समझी जाती थी, जिसके लिए लोग कह रहे हैं कि पाश्चात्य जा रहे हैं और वहाँ जा रहे हैं। भाई हमने दिया क्या है अपनी संततियों को जी। जो दिया है वो ग्रहण कर रहे हैं और ग्रहण कर रहे हैं अच्छी बात है। अगर वो लोकगीत न गाएं तब हमने तो देखा ही नहीं किसी औरत को स्टेज में गाते हुए हमारे टाइम पे। तो आज हम देख रहे हैं कि एक एक जगह 100-100 लड़कियां आ जा रही है। ये एक राजेश जोशी जी हैं, इन्होंने पूछा है कि जीवन के इस पड़ाव पर भी आवाज में आपकी शेर सी गर्जना और कोयल सी मंत्र मुग्ध कर देने वाली जो ये कला है इसका राज क्या है। इसका राज परमात्मा है, हम कुछ नहीं। जिसने ये आवाज दी है जी। मैं इनको जिन्होंने ये क्वेश्चन किया है प्रश्न किया है जी। उनको ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पहाड़ का कोई भी कलाकार जी। कोई बहुत बड़ा कलाकार है या साधारण गलियों में गाँव में नालों में पतनालों में गाने वाला है वो सबसे पहले क्या कहता है तीले धारो बोला। क्या सुना आपने जी। कहीं तो तीले कह देते हैं तीले कहीं तिला कह देते हैं लेकिन क्या है तीले तीले तुमने तुमने धारो रखा जी। ये जो बोल है जी। ये जो हमारे कंठ से आ रहा है हे परमेश्वर तूने रखा है ना। आपको कोई इतना विस्तृत बताएगा भी नहीं आजकल तो पता ही नहीं है। तो जिस परमात्मा ने ये बोल रखा है ये उसी को श्रेय जाता है हमें कह जाता है। क्या बात है कमाल। मैं हूँ काव्य के साथ और आपका मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप यहाँ पर आए और मेरा आपने थोड़ा साक्षात्कार लिया। तो सभी भाई बहनों जितने भी हमारे उत्तराखंड के वासी हैं दिल्ली में हों बम्बई में हों कलकत्ता में हों विदेशों में हों सबको मैं प्रणाम करता हूँ नमस्कार करता हूँ धन्यवाद काव्या जी।